ये बना फम्मी गरम गरम दे रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। कौन जो ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया। देखिए लाश लेके जा रहे लग रहा है। वाई वाई किंग मुंह देखिए बस करके। अच्छा करंट चला गया तो जल गया। ला लो शेम ऑन यू। सिर्फ एक बना लो और एकदम मेरे बदन में बिजली है। लड़की लोग को खाली फील हो रहा है। वो लोग बेटा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अंकल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोल रहा है। पहाड़ में ये सब जहाँ पे अननेचुरल डेथ्स होते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखेगा। लहसुन मिर्चा बाहर बारिश बन गया। जुलाई में रेनी सीजन होता है। अरे पीछे में नहीं नहीं टोपी अच्छा लग रहा था। टोपी पहनने मैं 3 बॉटल पकड़ के व्लॉगिंग कर रहा हूँ। इधर आ जाओ। सेवा कुंज में मिस्टिक माउंटेन कैफे। हाँ बहुत 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 ज्यादा मतलब इतना अच्छा होम स्टे आई डोंट थिंक मैंने पहले देखा है। इतना अच्छा खाना इतना अच्छा सब कुछ। Check the mic and make sure it sound right, boys. So यहाँ मोबाइल के कैमरे में नहीं समझ में आ रहा होगा। एक बारिश शायद कैमरे के ऊपर ही गिर गया। हाँ व्लॉगिंग का यही मुसीबत है। गूगल छाता लेके चल रहा है। मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं भीग रही हूँ। अरे इस तरह चलो 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 ना प्यार हुआ ना इकरार हुआ। बस छाते की तरह नीचे चल रहे दोनों। तो अभी यहाँ पे करंट चला गया है। इधर अंदर चाय बन रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा मोबाइल जला के दीदी चाय बना रही है। दूसरा वो इधर होता है। अच्छा फिर जून जुलाई में रेनी सीजन होता है। अच्छा और अक्टूबर नवंबर में इतना अच्छा वेदर होता है। कंचनजंगा दूर तक दिखता है। अच्छा जैसे ये जो बोल रहा था ना ये जो जिसने प्रॉपर्टी खरीदा है वो बोल रहा था ना कि मतलब उसका नाम अर्णव है। अच्छा वो एक्चुअली जहाँ से है वो मेरे कोलकाता में मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। उसने बोला ना वो यहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा। ये चिंता एक्चुअली शहर के बहुत सारे लोग करते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ इतना पीस है इतना शांति लगता है ना कि इतना। लेकिन क्या होता है ना सब अगर चले आएंगे तो इधर में पीस नहीं रहेगा। तो बॉल जो मिस्टर को था इससे मिठाई लाया था। हमारा मिठाई का दुकान है। उनको भी खिला। और दुकान नहीं रोते नहीं दुकान नहीं फिर उनको भी। थैंक यू। आप ही बताइए। अरे पीछे में नहीं टोपी अच्छा लग रहा था। टोपी पहनने वही तो अच्छा लग रहा था। सेवा कुंज है हमारा मिस्टेक का नाम। और आज 4 दिन पहले हमारा ओपनिंग हुआ था। आज आप लोग फर्स्ट गेस्ट है हमारा इसीलिए आज आपने जो जो मांगा वही दिया। अरे वाह डिमांड नहीं होता है। अच्छा जो हम देते हम लोग सेल्फी लेके रखेंगे दीदी के साथ कि हम फर्स्ट गेस्ट सबके साथ लेके रखेंगे ना। वही अच्छी बात है। थैंक यू आइए। हाँ जरूर अच्छा नाम क्या है फिर से बता दीजिए उसका। ये हम्बी है। हम्बी कालिम्पोंग का सबसे फम्बी आलूदम फम्बी तो क्या धुप्पा लेता है। ये सब फेमस चीज है। अच्छा फेमस चीज है ये। और आज मेरे पास खिलाना है उसका लक्की है ये कल ही लाया है। ठीक है तो हमारे ये शाम के नाश्ते के लिए बन रहा है। शाम के नाश्ते के लिए चिकन नहीं मतलब अभी खाने के लिए बन रहा है। शाम के लिए आपको चिकन बना देंगे। और इधर का इधर के स्टाइल का खाना सब कुछ इधर के स्टाइल का खाना। हाँ ये ऑर्गेनिक क्या है ये ऑर्गेनिक पता नहीं। अच्छा गेहूं नहीं भुट्टा मक्काई। हाँ मकई का चावल है मकई। अच्छा आप लाए हो। अरे बाप रे नया नया खाने के मजा लेता है ना इसलिए नया ही देना अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक देना चाहिए वो सब्जी। आज तो ऑर्गेनिक नहीं है मेरे पास बहुत इसीलिए शुरू हुआ बात ही आएगा।
हाँ चिकन है यहाँ पे, ये बनेगा रात के लिए। अभी दीदी ने ये सब बना रहा है नाश्ता, जिसका मैं नाम बार बार भूल जा रही हूँ। हाँ एक बार बताइए तो, फम्बी, फम्बी ये बना, फम्बी गरम गरम दे रहे फर्स्ट टाइम आप भी लिया ना ये पहले लिया? हाँ नहीं फम्बी नहीं खाया मैं कभी, नहीं 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 फम्बी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग अभी टेस्ट करके देखेंगे ये फम्बी कैसे। लो एक लो, इससे लीजिए। जीरा के साथ फ्राई किया गया शायद। वो भी एंजॉय करता है खाने के लिए। ये नया टाइप का है ना तो अच्छा लग रहा है। उन रकम कहते ना नया पूरा अच्छा है। ये ना हम जैसे पास्ता खाते हैं ना, पास्ता को अगर आप ऐसे ही ऐसा लग रहा है लेकिन थोड़ा टेक्सचर अलग है उसका, लेकिन टेक्सचर अलग है। और ये पानी से थोड़ा येलो कलर का होता है पानी, उसको पानी बॉईल करके एकदम चला के पूरा चलना पड़ता है, वैसे चलाना पड़ेगा। और उसका ठीक होगा जब ठीक होगा उसको रखना पड़ेगा, तीन चार घंटा के लिए रखना पड़ता है, ऐसा केक जैसा होता है। अच्छा आपको फोन दीजिए ना, वो करवाना है सबसे। तो हम लोग शुरू से आके सोच रहे थे कि पहाड़ में तो हम लोग पहले भी रहे हैं लेकिन ये बेड कवर्स वगैरह सब इतने क्लीन, हमको जो टॉवल दिया गया था वो बाथरूम है अभी, वो इतना क्लीन, बेड देखिए इतना सफेद, सब कुछ चकाचक, ये फूल इतना चकाचक, ये मैट एकदम नया, मतलब लग रहा है कि अब भी खरीद के लाया है, पैर भी नहीं लगा है इसको, इतना नया है ना, पैर चढ़ाने का मन नहीं। सेम मैं भी नहीं चढ़ाई, अगर गलती से चढ़ा दिया होगा दैट इज डिफरेंट थिंग। हम लोग इसको इधर लगा के बैठ सकते हैं। तो एक्चुअल बात बताओ कि क्या हुआ, आओ इधर। अभी इधर की दीदी ने बोला, उनका नाम है रेशमा सेवा और उनके हस्बैंड का नाम है शिशिर सेवा, वो टीचर है। वो बोल रहे थे ये जो पूरा है होम स्टे ये बना है कुछ दिन पहले, हम लोग यहाँ के फर्स्ट गेस्ट है, फर्स्ट गेस्ट कैन यू इमेजिन, इसलिए सब कुछ इतना चकाचक। और इसलिए हम जो खाना मांगे वो दे रहे हैं, तो हम जो भी मांगे, ऑन डिमांड तो ऐसा नहीं होता है लेकिन आप जो मांगे देंगे। थुपका बना दिया है लंच के लिए, और अभी हम लोग रिक्वेस्ट किए कि लोकल जो है आप लोग का ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ये सब बना दीजिए, सब, हाँ। वो सब भी बना दे रहे हैं, सब जुगाड़ करके लाए हैं ऑर्गेनिक साग। और बोले कल कुछ हमारे लिए शायद वेलकम और विदाई दोनों होगा, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग पहला आए हैं तो अभी तो इस रिसोर्ट का बिजनेस तो अभी बहुत होमली फीलिंग भी हो रहा है। वही गाइस बहुत जोर से बारिश हो रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है, पूरा एकदम शांत है गाँव, और करंट भी शायद चला जाएगा तो और मजा होगा। एकदम बारिश हो रहा है, पूरा हवा दे रहा है, मस्त लग रहा है पूरा एकदम पहाड़ के बीच में। यू कैन हियर द नॉइज, दिस इज अमेजिंग। लुक एट द रेन, ये कौनजो ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया, इधर पे आया इस गिरा दिया, इस लड़का इतना पागल है, ये फुल लाइन गिरा दिया, जब पानी हो गया पूरा, ये सब मैटर तो इधर खींच के लाना पड़ा। अभी दिखाया था ना नया मैटर पानी सोखने के लिए, टिश्यू से पोंछ रहे, देखिए सब, देखिए लाश लेके जा रहे लग रहा है, गलती हो गई। ये देखो पानी, अब क्या करे, गिर गया वो, उसमें पानी था, हमको थोड़ी पता था, हमको नहीं मालूम था। अच्छा वो सूखे ना रखे क्या फूल, पूरा पानी हो गया, चलो सूख जाएगा उतना भी नहीं।
अब हमारा वाई वाई स्पेशल लड़का वाई वाई किंग दिखाएगा कि वाई वाई कैसे खाया जाता है। ये वाई वाई का पैकेट आपसे। अच्छा इसमें एक से रुको तो क्या है ये? ऑनियन ऑयल। अच्छा मतलब डालडा। डालडा और ये मसाला ऑनियन फ्लेवर डालडा है और मसाला है। शिट यार ये सब क्या ये खाते फ्राइड है। ब्राउन कलर का है ना फ्राइड है। पहले मसाला खा के लिवर का 12-13 सब बजाओ। मसाला का पैकेट में ये छोटा सा फाड़ा नहीं ये सब माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूट होता है। तो चलो डालो मसाला पूरा नहीं डालेंगे ज्यादा सॉल्टी हो जाता है। मसाला हो गया। अब ऑनियन ऑयल। ऑनियन ऑयल को पहले अलग कर लेते हैं। मसाला बचा है ना उसको रख देंगे। ऑनियन ऑयल को काटे हैं। मुंह देखिए बस लड़के का मुंह देख पागल हो गया नशे में। हाँ अभी डालडा मिला वो दैट इज नॉट ऑयल दैट इज ठीक ठीक। अच्छा करंट चला गया तो जल गया। इसका हेड टच इसका नाम आज से हेड टच कौन जो ठीक है असाधारण टट्टी गिर रहा लग रहा है। इसको आस्ते पोड़छे ऑलरेडी खाने के बाद मिला लो हाथी से मिला लो चाची खा लो। ये डालडा वालडा सब मिला लो मसाला सब एकदम सही से मिला लो। शेम ऑन यू। फिर पेक बना लो और एकदम देखो डालडा जो है ना ऐसे जम के रह जाता है कि जाएगा अंदर तो इसको बचा के रख बाद में मजा आ जाता है। असाधारण तेरे तोल देखे बाल कारण खेले तू खा भी तोल तोल ना फोलो ना तो ओ अच्छा अच्छा ये पानी रखा हुआ है तो पानी की वजह से ये जल रहा है। गाइस ये जो लाइट है ना ये पानी का ग्लास में डुबाने से जल जाएगा देखो। ओह दिस इज सो अमेजिंग। मैं भी करूंगा दिस इज सो गुड। कर कर वैसे ट्राई कर रहा है ट्राई कर इसमें भी जल रहा है। अच्छा अभी आप देखने वाले हैं एक मैजिक ठीक है मैं दिखाती हूँ मेरे बदन में बिजली है। अब कोई मतलब कौन नहीं कर सकता किस नहीं कर सकता सब लोगों को मार डाल हाँ कैसा कैसा बोलिए। गाड़ी में आ रहा है एक अकेले जा रहा था ना हाँ तो आगे सीट में एक अंकल बैठ गया पीछे तीन लड़की बैठ गया। हाँ लड़के लोग को खाली फील हो रहा है वो लोग बैठा है। वो अंकल तो इधर ही है तो हम बोल रहे हैं अंकल प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अंकल ओम नमः शिवाय बोल रहा है बाद में छोड़ दिया। इतना गुजबम्स हो गया था कि बात इधर जब भाई लोग लेने आ गया ना मेरे को आधा रास्ता तक इनका भी हुआ है एक बार। हाँ सुना बोले ये सुना और दूसरा क्योंकि पहाड़ में ये सब जहाँ पे अननेचुरल डेथ्स होते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखेगा ही मतलब इट्स लाइक हो गई यू कांट अवॉइड दैट्स व्हाई पहाड़ में आप देखेंगे बहुत सारे मंदिर अनवांटेड जगह पे ऐसा बना हुआ है क्यों जस्ट टू कीप द बैलेंस। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक साग लाया गया है हमारे लिए। अच्छा पीस अरे हम लोग अमित खूब तातरी करते बारी हम कह दीछी घोटी ये घोटी है ये घोटी बंगाल अच्छा मम्मी घोटी है ये चिकन हमारे लिए बनेगा और पूरा प्रेशर कुकर में कुकिंग हो रहा है। राइस भी बन गया है आंटी ने बना दिया कुकर में। अच्छा वो मकाई का वो मिक्स है तो देखिए कैसा होता है थोड़ा येलो कलर का जो है वो मकाई राइस है। अच्छा झुमर वाली फील होती है। ये कौन सा वाला साग है दीदी? राय साग लेके आया स्पेशल जम जाएगा राय साग।
लावा में ज्यादा होता है, लावा में वही तो 1800 रुपया 100 ग्राम 1800 रुपया कौन सा ये बड़ा इलायची का एक टाइम में अच्छा गाँव का पूरा आदमी ना आपका माला कोई लाखपति कोई करोड़पति हो गया इलायची बेच के 1800 रुपए ना ये अभी 1300 रुपए है इसका थोड़ा घटा है अभी थोड़ा अब 600 रुपए देखिएगा ये इलायची ये इसका दाम ज्यादा होगा तो गोल्डन घट जाता है ना गोल्डन का दाम ना है। सोना का दाम दिस इज वेरी कॉस्टली फिर वो फिर गोल्ड का दाम ज्यादा होता है इसका दाम कम होता है तो आज ये पानी के बल्ब में हम लोगों का डिनर होगा हाँ थोड़ा ज्यादा ही रोशनी है वो एक काम का ना वो लगा देना आपकी गोल करके बैठा दो हाँ सही है जा कुछ ले जाना हो तो बोलिए ले जाएंगे हाँ आप उतना भी बनाया हमारे लिए वही बहुत है मुझे साग बहुत पसंद है बहुत मैं उसको बस शायद दूंगी नहीं मैं खुद ही खा जाऊंगी ये इसका सीजन किया है ना अच्छा ये राई का अभी लास्ट सीजन है वाओ लो मेरे लिए रोशनी नहीं है पूरा अंधकार है आप देख सकते हैं फ्लैश हेडलाइट ये सब जला के ब्लॉगिंग हो रहा है कितना मस्त लग रहा है हाँ धुआं उठ रहा है मटर और गाजर दिस इज राई साग और अरे खुल नहीं रहा है दिस इज चिकन इसमें अभी दाल भी आ गई है कितना खाएंगे हम तो अभी और एक स्पेशल चीज आने वाला है इतना सारा खाना आने के बाद दैट इज मकई का राइस राई साग ये मैं पूरा खा जाऊंगी तुमको नहीं दूंगी ठीक है खाओ ना क्या दिक्कत है ये आ गया मकाई वाला राइस वाओ दिस इज सो अमेजिंग नमस्ते ये ऑथेंटिक मकाई राइस है ये सब ट्राई करो मैं हाथ से ही ले रहा हूँ बस लूज हो गया खत्म हो गया अच्छा मस्त है मुझे पता है मस्त है लेकिन तुम ज्यादा नहीं लोगे मैं खाऊंगी ये होता है बेसिकली खाना पहाड़ी बोले या कुछ भी बोले इसमें देखिए पीका इसका छिलका भी दिया है फुल यूसेज ऑफ खाना बेस्ट बेस्ट थोड़ा इसमें नमक डाल दीजिए अच्छा और ये थोड़ा डाल दीजिए थोड़ा नमक नहीं डालेगा दाल डाल ठीक है ठीक है मैं इतना बार पहाड़ में आया हूँ पहाड़ में इतना खाना खाया ये आज का बेस्ट मतलब आज तक का मेरा बेस्ट मील है बेस्ट मतलब इससे अच्छा खाना मतलब मैं खाने के बारे में तारीफ नहीं करती हूँ मैं इतना बोल रही हूँ इतना अच्छा लग रहा है मुझे खा के राई साग और ये मटर और गाजर का सब्जी अभी चिकन और दाल तो ट्राई नहीं किया है ये मकई वाला राइस मतलब सब कुछ इतना अच्छा है तो डिनर हो गया है अभी हम थोड़ा इस लाइट में घूम के उधर जाओ घूमेंगे फिर जाएंगे थोड़ा बैठेंगे शांति से पुटपुटी भी रील बनाने की सोच रही है सोच रही है रील बनाने की लेकिन सोच रही है कि क्या करे इतना टायर्ड है हम लोग और इतना ठंड है ना टायर्ड है लेकिन आज का जो खाना था वो बेस्ट खाना था आप देख लीजिए मिस्टिक माउंटेन कैफे और ये इसका पूरा नाम क्या है पूरा नाम क्या है हमको तो पता ही नहीं इसका पूरा नाम क्या है कौन सा चार खोल तो नहीं लिखा है चार खोल है अभी सेवा कुंज अच्छा अच्छा ऊपर अच्छा उधर से दिखेगा सेवा कुंज इको स्टे तो ये है सेवा कुंज इको स्टे इधर का बेस्ट बेस्ट आइए इधर आइए रोशनी दिखाते
रोशनी इतना अच्छा है इसमें, तीन बॉटल पकड़ के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इधर आ जाओ। क्या नाम है? सेवा कुंज में मिस्टिक माउंटेन कैफे। हाँ, बहुत 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 ज्यादा, मतलब इतना अच्छा होम स्टे आई डोंट थिंक मैंने पहले देखा है, इतना अच्छा हाँ। खाना, इतना अच्छा सब कुछ, और हम लोग इधर के फर्स्ट गेस्ट है। फर्स्ट गेस्ट कॉटेज की तरफ वापस जा रहा है भागा भागा, क्योंकि बारिश आ गया है। अरे यार पूरा अंधेरा ही अंधेरा, कोहरा ही कोहरा। ये हमारा हेड टच गूगल दरवाजा खुल रहा है, ये बेचारा को भूख लगा है। ये केक गूगल की मम्मी ने बना के दिया था, बोलते ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, इस पे शायद उसका नाम लिखा था। चलो भीग गया है पूरा बेचारा। चलो इसको इधर बैठ रहना था। ओके तो हम लोग अभी नाइट वॉक करके कालिम्पोंग का व्यू देखने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ। चलो लिस्ट खुले कल से खुले कल से ठीक है। चलो वो नाइट में कालिम्पोंग का व्यू कैसा होता है वो देखने के लिए दीदी हम लोग को ले जा रहे हैं। फाइनली गूगल का ये हेड टच काम आया, इसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं बुद्धा जी का स्टैचू। बहुत बढ़िया कोर बोधा कालिम्पोंग दिख रहा है। इधर हमारा दोस्त लोग भी आ गया। तो ये व्यू कैमरा में तो उतना अच्छा नहीं आ रहा है मोबाइल के, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मीटिंग हमने रिकॉर्ड करने का कोशिश किया, करो ना मीटिंग थोड़ा करो ना, बहुत क्यूट लगते हो। या दे आर गेटिंग वाइल्ड नाउ, इतना वाइल्ड कि मेरा कैमरा का फोकस ही चला जा रहा है। सो एज आई सेड, ये पहली बार है कि पहाड़ में आके हमको बिल्कुल नया सब ब्लैंकेट वगैरह, ये नीचे कम्बल, ये भी पूरा नया, ये सब मिला है। मतलब जब भी पहाड़ में जाते थे कम्बल में धूल या फिर किसी ने सिगरेट से बर्न कर दिया है, ये सब जो लोग बाहर में आते हैं उनको पता है। तो पहली बार हुआ ऐसा, तो पूरा नया ब्लैंकेट। हाँ तो मैं आ रही हूँ क्या, मुझे पता नहीं इतने से मतलब लाइट में कितना आ रहा है, और मुझे भी फ्लैश चला के ब्लॉगिंग नहीं करनी। सो आज के लिए साइनिंग ऑफ, कल बहुत सारा प्लान है लेकिन अभी ऑलमोस्ट एक बजने को जा रहे हैं। हम लोग बाहर रील बना रहे थे तो उसके लिए टाइम लग गया, तो पता नहीं कब उठेंगे कब जाएंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, सोएंगे फिर उठेंगे देखेंगे। तो अभी बत्ती बुझाते हैं और आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। बाय बाय।